हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 एग्जांपल 1 है और यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 को कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आपको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, प्रूव क्या करना है? एडी अपान एबी इजकल टू एई अपान एसी, मतलब ये इतना एडी अपान ये फुल एबी इजकल टू एई अपान एसी, हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कि इन ट्रेंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, सबसे पहले तो हमें थेल्स लगाने के लिए ये देखना है कि हमें दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, और बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड देन लाइन बाइसेक्ट अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, देयरफॉर ए डी अपान डी बी इजकल टू ए अपान ई सी, इतना अपान इतना हो जाएगा। और इसको हम कन्वर्स कर सकते हैं, हमें फुल लेना है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो डी बी या बी डी भी लिख सकते हो, अपान ए डी इजकल टू ई सी अपान ए। अब इसमें दोनों साइड हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, तो ये हो गया डी बी आर बी डी अपान ए डी प्लस वन इजकल टू ई सी अपान ए प्लस वन, ठीक है। अब हम इसमें प्लस वन ऐड कर देंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा बी डी प्लस ए डी अपान ए डी इजकल टू ई सी प्लस ए अपान ए। अब यहाँ पे देख ले, बी डी और ए डी मिला के बन जाएगा ए बी, तो ये बन जाएगा ए बी अपान ए डी हो जाएगा, और ये बन जाएगा ई सी और ए को मिलाएंगे तो ए सी बन जाएगा, ए सी अपान ए। और इसको रिवर्स कर दो तो ए डी अपान ए बी इजकल टू ए सी ए अपान ए सी, ये निकालना था शायद, हाँ ये निकालना था, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। और यहाँ लिख लो ब्रैकेट में कि ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी, ए प्लस ई सी इजकल टू ए सी, ठीक है। तो बच्चों, ये प्यारे बच्चों चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6, ये हमारा चैप्टर है 6 जो कि ट्रायंगल्स है, और उसकी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ए बी सी दोनों है, जिसमें डी दोनों में पैरेलल है, और इसके साइड की मेजरमेंट गिवन है, ए डी इजकल टू 1.5 है, बी डी इजकल टू 3 सेंटीमीटर है, ए इजकल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हमें ई सी की वैल्यू को फाइंड करना है, और यहाँ पर ए डी की वैल्यू फाइंड करना है पता नहीं है, ये गिवन है, इधर दोनों पार्ट्स गिवन है। तो हम पहले फर्स्ट में लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, आपको ये लिखना जरूरी है, डी पैरेलल बी सी हम इसको लिखेंगे। अगर डी पैरेलल के बी सी के पैरेलल होगा या एनी वन साइड किसी भी अदर साइड के पैरेलल होगी, तभी वहां पर हम थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। और ये जब पैरेलल है तो बाई यूजिंग थेल्स ए डी अपान डी बी, ये हो जाएगा ए डी अपान बी डी इजकल टू ए अपान ई सी, यहाँ पर लिखो बाई थेल्स, ठीक, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसकी वैल्यू आप रखें तो ये है 1.5, ये 3 का 3.0 सेम,
इज इक्वल टू है 1 cm अपॉन PC, हमें फाइंड करना है। cm से हम काट दो, ठीक है, ये कट गया। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 1.5 को लिख सकते हैं 15/30, पॉइंट हटा दो, इज इक्वल टू 1/EC, क्रॉस कर दो, ये 1 जा, ये 2 जा, ये कट गया, तो ये हो गया EC इज इक्वल टू 2 cm, और ये आंसर हो गया। क्रॉस करके लिख दो और ऐसे कर लो कि EC इज इक्वल टू 2 cm, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी तरह से आप कर सकते हैं, तो हमें EC की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम प्रोसीजर, इसमें D पैरेलल BC, इंटर एंगल ABC, D पैरेलल BC बाय थेल्स, ठीक है, थेल्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा AD अपन DB या BD इक्वल टू AE अपन EC, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप रख लो तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो AD ही रहेगा अपन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपन 5.4। देखो पॉइंट में एक डिजिट दोनों में है, इसे डायरेक्टली 18 1 जा 18 3 जा, अब ये कट गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 AD इक्वल टू 7.2, AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, ये हो गया 2.4 cm, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। आगे समझ में क्वेश्चन।